अभी अगर मैं आपकी इन बातों को सुनूं जिसमें आपने क्या कहा बहुसंख्यक, आपने क्या कहा SC ST, आपने क्या कहा हिंदू मुस्लिम, अरे अब कहां है सबका साथ सबका विकास, सबके साथ हो सबके साथ और विकास की बात कीजिए ना। आपने राम भी गिना लिया, आपने SC ST भी गिना लिया, आपको पर थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा। रोजगार पर, बेरोजगारी पर, महंगाई पर, किसी पर तो ले जाते, एक पॉइंट तो रख सकते थे। और मैं आपको अर्पिता जी, कांग्रेस आपके बचाव में क्यों आ रही है? कांग्रेस आ रही है और आपका चैनल टू विंडो करके उनको अलाउ कर रहा है, मुझे संवाद करने दो। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल रिएक्शन इंडिया में। आज हम एक ऐसा डिबेट लेकर आए हैं जिसमें बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और भी जो अलग अलग पार्टी के नेता हैं उनका एक डिबेट शो हो रहा है, जिस डिबेट शो में जो आज तक की एंकर अर्पिता आर्या हैं उन्होंने बीजेपी को ऐसी खरी खोटी सुनाई कि उनको छोड़ के हो सकता है भागना पड़ सके। बीजेपी प्रवक्ता को उन्होंने धो धो कर धोया है, तो देखते हैं क्या कुछ इस वीडियो में होने वाला है, क्या कुछ मामला है और किस प्रकार से धुलाई हुई है। शहजाद, ऐसा क्यों है कि पिच बदलते हुए आप नजर आ रहे हैं? वो प्रधानमंत्री जो विकास के रास्ते पर चलते थे और पूरे देश को विकास के रास्ते पर ले जाते थे, आज अगर मैं ये 5 मुद्दे पढ़ूं जो प्रधानमंत्री गिना रहे हैं, उसमें कहां विकास दिख रहा है आपको? देखिए अर्पिता जी, मुझे तो लगता है कि क्या आप कहना चाहती है कि प्रभु श्री राम और विकास अलग अलग है क्या? इस प्रकार की सोच हो सकता है कुछ समूह की, कुछ जमातों की हो, पर हमारे लिए तो राम राज्य की परिकल्पना महात्मा गांधी ने दी थी। तो क्या महात्मा गांधी राम राज्य कहते थे, हे राम कहते थे, रघुपति राघव राजा राम कहते थे, या संविधान के ओरिजिनल कॉपी में राम जी की तस्वीर थी, तो क्या विकास विरोधी था? दो तरीके की गारंटी है जिसका उल्लेख आज हो रहा है। एक है मोदी की गारंटी, मतलब मोदी नामक बेटे की गारंटी, पूरे होने की गारंटी, 10वें से 30वें स्थान पर आना, 25 करोड़ लोगों का गरीबी से निकलना, 10 करोड़ लोगों तक उज्ज्वला सिलेंडर, 11 करोड़ तक टॉयलेट, 11 करोड़ तक नल से जल, जिस प्रकार से प्रति व्यक्ति आय दुगनी हुई है, एयरपोर्ट 70 बन गए हैं। और दूसरी गारंटी क्या है? उन लोगों की गारंटी जिनकी साथ में रहने की कोई गारंटी नहीं है, मतलब एक ऐसा समूह जो बंगाल से लेकर जम्मू कश्मीर से लेकर पंजाब से लेकर केरल में एक नहीं हो पाया, वो अब गारंटी कम और नौटंकी ज्यादा कर रहा है। मतलब जैसे गंजा तेल उगाने की गारंटी दे दे, उस प्रकार की इनकी गारंटी है। अब वो भी गारंटी तोड़ दी है और इतनी अच्छी इनकी गारंटी आती है। किसने क्या वादे किए, कितने पूरे किए, पूरे करने पर तो मैं अभी तक आई नहीं। मेरा सवाल तो इस पर था कि अभी गारंटी की बात चली है तो वो क्या गारंटी दे रहे हैं और आप क्या गारंटी दे रहे हैं? अब जरा ध्यान से सुन लीजिए, प्रधानमंत्री कहते हैं जब तक मोदी है धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जाएगा, ठीक है, पहली गारंटी। SC ST और OBC का आरक्षण कोई खत्म नहीं करेगा, ये दूसरी गारंटी। रामनवमी मनाने से, भगवान राम की पूजा से कोई आपको रोक नहीं सकता, ये तीसरी। राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला कोई पलट नहीं सकता, ये चौथी। और CA कानून को कोई भी रद्द नहीं कर सकता, ये प्रधानमंत्री के 5 गारंटी हैं, जिसमें आपने राम का जिक्र, आप कह रहे हैं कि देश राम से चलेगा, चलिए राम का नाम इसमें ले लिया गया, लेकिन और जनता के मुद्दे। अब जनता के मुद्दों पर अगर बात करें, अरविंद केजरीवाल की जो 10 गारंटी, उसमें वो कहते हैं देश में 24 घंटे बिजली है, ये जनता से जुड़े मुद्दे हैं कि नहीं? हर बच्चे को मुफ्त शिक्षा जनता से जुड़ा मुद्दा है कि नहीं? हर नागरिक का मुफ्त इलाज, चीनी कब्जे से जमीन वापस, अग्निवीरों को पक्की नौकरी, किसानों को MSP की गारंटी, दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा, रोजगार की व्यवस्था, भ्रष्टाचार खत्म, GST का सरलीकरण। मुझे पता है इसमें से आप भ्रष्टाचार पॉइंट सबसे पहले उठा लेंगे, लेकिन उसको उठाने से पहले जरा और आगे की जो मैंने आपको लाइंस गिनाई उन पर जवाब दीजिएगा। सही बात, केजरीवाल की जो 10 गारंटी थी वो नहीं, तो केजरीवाल की। अब मैं एक एक करके आपके 5 बिंदुओं पर सिलसिलेवार तरीके से जवाब देता हूं, आप केवल सुनने का धैर्य रखिए। मुझे बताइए कि आरक्षण की व्यवस्था जो संविधान में है उसमें धार्मिक आधार पर आरक्षण देने की बात ना अंबेडकर जी ने, ना संविधान सभा ने, ना संविधान ने की है, परंतु कांग्रेस ने मुस्लिम आरक्षण, केवल कांग्रेस ने, कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र में नहीं बल्कि रंगनाथ मिश्रा कमेटी रिपोर्ट और लालू जी ने कहा पूरा दे दो, क्या ये संविधान विरोधी बात? किसकी गारंटी नहीं देनी चाहिए कि संविधान नहीं बदलना चाहिए? ये तो संविधान बदलने की बात तो कांग्रेस कर रही थी ना, तो हम तो गारंटी दे रहे हैं कि हम कभी भी धार्मिक आधार पर आरक्षण, और वो भी SC ST OBC समाज से काट कर नहीं देंगे, तो ये गारंटी महत्वपूर्ण नहीं है SC ST OBC समाज के लिए। दूसरी गारंटी रामनवमी और राम मंदिर के विषय पर, मुझे बताइए कि क्या बहुसंख्यक समाज की सुरक्षा की गारंटी नहीं होनी चाहिए? रामनवमी पर मुर्शिदाबाद में हिंसा हुई थी तो हाईकोर्ट ने टिप्पणी नहीं की थी बंगाल सरकार पर? क्या रामनवमी से पहले उनके हुमायूं कबीर TMC के नेता ने नहीं कहा था काट के रख देंगे हिंदुओं को? क्या ऐसी बात नहीं हुई है जिसमें कि हिंदू धर्म के ऊपर और हिंदू देवी देवताओं ऊपर अभद्र टिप्पणी करने का काम टीएमसी के नेताओं के द्वारा? 10 सेकंड सुनिए, 10 सेकंड सुनिए, लेकिन मैं नहीं, नहीं सुनिए ना, लेकिन मैं सवाल, मेरा सवाल, अच्छा चलिए ठीक है, मैं उम्मीद कर रही हूँ 10 सेकंड में कुछ अलग सुनने मिल जाए। चलिए मैं आपके ही सवाल पे आ रहा हूँ, ठीक ठीक 10 सेकंड और लीजिए। चलिए मुझे बताइए कि 10 सेकंड और ले रहा हूँ,
कानून व्यवस्था बनी रहे और लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर एक तुष्टिकरण की राजनीति करते हुए बहुसंख्यक समाज की सुरक्षा के साथ समझौता ना हो, क्या ये गारंटी देना ये वैध गारंटी नहीं है क्या? क्या इसकी लॉ एंड ऑर्डर की गारंटी चुनाव में नहीं देनी चाहिए? ये जनता से जुड़ा हुआ मामला नहीं है? मुझे एक बात बताइए कि वोट जिहाद कहना आपके लिए जनता का मुद्दा है, राम मंदिर बेकार है आपके लिए, आपके और आपके समूह के लिए जनता का मुद्दा है। नहीं, एक सेकंड सुन लीजिए, अब धैर्य रखिए अर्पिता जी, अब धैर्य रखिए। पूरा आरक्षण मुसलमानों को दे देंगे, ये जनता का मुद्दा है आपके लिए। सनातन समाप्त कर देंगे, जनता का मुद्दा है आपके लिए। वही मैं कह रही हूँ ना, मेरा पहला सवाल ही वही था, मैं यही कह रही हूँ ना कि पिच क्यों बदली आपने। तो वो पिच जिसमें विकास की बात थी, याद है आपको 2014, वो पिच विकास पर, 2014 में विकास के एजेंडे पर थी। एक सेकेंड सुन लीजिए, मुझे सुन लीजिए शहजाद, उस समय बात होती थी सबके साथ सबके विकास की। अभी अगर मैं आपके इन बातों को सुनूं जिसमें आपने क्या कहा बहुसंख्यक, आपने क्या कहा SC ST, आपने क्या कहा हिंदू मुस्लिम, अरे अब कहां है सबका साथ सबका विकास? सबके साथ और सबके साथ और विकास की बात कीजिए ना। अच्छा, इसका भी जवाब ले लीजिए, इसका भी जवाब 5 सेकंड में ले लीजिए। जो मैंने शुरुआत में गिनवाया था, 10 करोड़ उज्ज्वला सिलेंडर, 11 करोड़ टॉयलेट, 12 करोड़ नल से जल, अरे तो क्या इसी को आगे बढ़ाकर इस पर गारंटी क्यों नहीं दे रहे प्रधानमंत्री? कोई भेदभाव हुआ? परंतु 5 गारंटी में मैं ये मानती हूँ सर, सुनिए ना, इन 5 में से 1 पर क्यों बात नहीं हुई? क्यों 1 पर रोजगार की बात नहीं हुई कि चलिए हमने इतना आंकड़ा रोजगार का ले आए हैं, आगे हमारी ये रणनीति, हम रोजगार इतना देंगे? हम इन 5 में, चलिए आपने राम भी गिना लिया, आपने SC ST भी गिना लिया, आपको पर थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा। रोजगार पर, बेरोजगारी पर, महंगाई पर, किसी पर तो ले जाते, एक पॉइंट तो रख सकते थे। अर्पिता जी अब आपने 25 सेकंड का सवाल पूछा है तो कम से कम 25 सेकंड का जवाब दे लीजिए। 5 सेकंड में बोल पा रहे हैं अर्पिता जी, आप और आप जैसी विद्वान एंकर्स ने ही राज्य चुनावों के पहले डिबेट की थी ना कि बेरोजगारी पर कुछ बोलिए, तो क्या हुआ बेरोजगारी के विषय पर मध्य प्रदेश की सरकार 18 वर्ष बाद फिर से चुनकर आई और राजस्थान और छत्तीसगढ़ से किसको लात मार के भगाया गया? वो बेरोजगारी पर चुनाव नहीं हुआ क्या? जनता ने जो 2014 के बाद 2019 में मैंडेट दिया मोदी जी को, तो बिना बेरोजगारी बिना महंगाई पर काम किए वोट दे दिया था क्या? मतलब आप जनता के विवेक पर सवाल खड़ा कर रही है क्या? और मैं पूछना चाह रहा हूं आपसे कि अर्पिता जी, एक बार मुझे बता दीजिए कि आज जब बात हम करते हैं कि कानून व्यवस्था बनी रहे जिसमें कि दंगाई करने वाले लोगों के ऊपर नकेल कसी जाए, या जो संविधानिक व्यवस्थाएं हैं उसके साथ खिलवाड़ ना किया जाए, तो क्या ये जनता के मुद्दे नहीं है आपके हिसाब से? राष्ट्रीय सुरक्षा, कानून व्यवस्था, ये जनता के मुद्दे नहीं? अगर कानून व्यवस्था नहीं होगी तो रोजगार कैसे पैदा होगा, महंगाई कैसे होगा, बेरोजगारी, इन सब पर भी चर्चा होनी चाहिए। आप ये कह रहे हैं कि अब आप इसको जोड़कर घुमा के इसको दिखा रहे हैं कि भैया देखिए चुनाव जीत रहे हैं, हमारा एजेंडा ये, हमारी पिच ये है, और आपने प्रधानमंत्री का पूरा भाषण सुना था? सर सुन लिया सर, अब जरा मुझे और मेहमानों के पास भी जाने दीजिए। आपने प्रधानमंत्री का पूरा ठीक सर, ये 5 गारंटी मैंने सुनी और बात गारंटी पर हो रही है, बिल्कुल आगे जाइए। अरविंद केजरीवाल 10 गारंटी दे रहे हैं जिसमें जनता से जुड़े मुद्दे हैं, प्रधानमंत्री जो बात कह रहे हैं वो भी मैंने आपसे पूछ ली, इसलिए मैं स्पष्टीकरण एक चाह रही थी। ठीक है, चुनाव है सामने, हर इंसान अपनी पिच तैयार कर रहा है कि किसमें कितने रन बना ले, बेसिकली बेसिक गेम तो यही है ना सर। अरविंद केजरीवाल तो जमानत में ही बाहर आए हैं, कोई पूरी तरीके से छूट तो मिल नहीं गई उनको। नहीं बिल्कुल, मैं आपके सवाल पे जरूर आऊंगा, लेकिन आपने जो शुरुआत में सवाल पूछा भाजपा के प्रवक्ता को, वो बहुत बड़ा सवाल था। वो कहा था आपने कि शुरुआत आपने तो विकास के मुद्दे से करी थी जब आपने मैनिफेस्टो लॉन्च किया था, तो आज हिंदू मुसलमान गाय भैंस मंगलसूत्र की क्यों याद आ रही है? मैं आपको इसका जवाब देता हूं, क्योंकि शहजाद पूनावाला ने जवाब नहीं दिया। इन्होंने बात करना चाही थी विकास की, गारंटी देना चाही थी विकास की, लेकिन लोगों ने मुंह तोड़ जवाब दिया कि आप किस मुंह से बेरोजगारी की बात करते हो। 2 करोड़ नौकरियां देने का जो वादा किया था प्रधानमंत्री मोदी जी ने, आज कोई बात नहीं कर रहे कि कितनी नौकरियां मिली। महंगाई को दूर भगाने का बात करी थी, विश्व पे नंबर 2 पे है महंगाई में आज भारत में, पूरे विश्व में कोई महंगाई नहीं है, सबसे ज्यादा पेट्रोल डीजल LPG गैस का दाम भारत में है, तो किस मुंह से बोलेंगे? बोल रहे थे कि ब्लैक मनी जो स्विस बैंक से लाएंगे 15-15 लाख सबके खाते में भेजेंगे, डीमोनेटाइजेशन लाए थे, एक भी ब्लैक मनी इंडिया में अब तक नहीं आया। कहा था कि फार्मर किसान की इनकम दुगनी कर देंगे, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, 700 फार्मर्स ने अपनी जान दे दी ये 3 काले कानून का विरोध करते हुए। तो आज जब ये अपने मुंह से विकास का शब्द बोलते हैं तो जूते काते हैं अर्पिता जी, इसलिए इनकी
इनकी हैसियत नहीं है कि आज विकास की बात करें, इसलिए आज ये सारी मुद्दे पे बात कर रहे हैं। बहुत छोटा जवाब दूंगा मैं तो, कहता हूँ संदेह वंदे छोड़ो, आपने कन्विक्शन की बात की, लालू प्रसाद यादव 2013 में भी और उसके बाद भी लगातार कन्विक्ट हुए हैं और 5 बार कन्विक्टेड है, इसमें तो संदेह नहीं है, ये तो कोर्ट द्वारा कन्विक्टेड है। अब जैस्मिन जी बता दो कि आप लालू को कन्विक्टेड मानते कि नहीं मानते। और दूसरी बात, इन्होंने स्कूल में इंटरनेशनल अखबारों ने क्या लिखा है भाई, हाईकोर्ट ने कहा है कि आपने नेशनल इंटरेस्ट को कॉम्प्रोमाइज कर दिया, डेस्क नहीं दे रहे हो, टीन के शेड में हजारों बच्चे एक क्लास में, 2 क्लास साइमल्टेनियसली चल रही है, उसके ऊपर कुछ करिए। पर हाईकोर्ट की टिप्पणी को भूल जाए, सुन लीजिए बीच में ने बोला अर्पिता जी कृपया करके आप इसमें ऑर्डर लाइए। थैंक यू अर्पिता जी, यमुना को साफ कर देंगे, 2015 का वादा कितना पूरा हुआ, पोल्यूशन युक्त को पोल्यूशन मुक्त कर देंगे और पंजाब की पराली कंट्रोल कर देंगे, कब दिया था वादा बता दीजिए। और बता दीजिए कि वर्ल्ड क्लास हेल्थ मॉडल है तो राघव चड्ढा छोटी सी सर्जरी कराने के लिए विदेश में अभी तक बैठे हुए हैं, ऐसा कौन सा वर्ल्ड क्लास हेल्थ मॉडल है? आप 10 नए अस्पताल के नाम बता दीजिए जो वर्ल्ड क्लास हेल्थ मॉडल में बनाए, और एक लालू के सवाल का जवाब अभी दीजिए। शहजाद पूनावाला भूल रहे हैं, ये दिल्ली का स्टेट इलेक्शन नहीं है, ये राष्ट्र का चुनाव है। 10 साल आप सत्ता में हैं, 10 साल में सत्ता होने के बावजूद आप अपने काम नहीं कर पा रहे, आप ये नहीं कह पा रहे कि हमने भ्रष्टाचार पे क्या काम का, आप कह रहे हैं आप कह रहे हैं दिल्ली के ऊपर सवाल पूछेंगे, हम बिहार के ऊपर सवाल पूछेंगे, लेकिन आज अगर इन्होंने ये आज राष्ट्र हित की बात करते, राष्ट्र सुरक्षा की बात करते, मुझे बताइए मणिपुर जैसा छोटा सा राज्य, समझ गए ना, इधर मत घुमाइए, साल से मणिपुर जल रहा है। एक बात मैं बता दूं, एक बात मैं बता दूं सर, देखिए बहुत आसान हो जाता है, वो अपने आरोप लगा देते हैं, आप अपने आरोप लगा देते हैं, अब वो अपने सवाल पूछ रहे हैं, वो अपने सवाल पूछ रहे हैं, भाई सवाल पूछने का काम मेरा है, छोड़ दीजिए ना मुझ पर, मैं सवाल पूछ रही हूँ आपके, एक दूसरे से सवाल लालू पर, वो सवाल आपसे पूछ रहे हैं उस पर जवाब है तो वो दीजिए, उनके आरोप अभी मैं फिर से आती हूँ और मेहमानों के पास जा नहीं पाई हूँ सर। अर्पिता जी, किसी भी नेता के ऊपर अगर आरोप लगते हैं तो कोर्ट डिसाइड करे, लालू पर तो डिसाइड हो चुका है ना, आज आम आदमी पार्टी, आज आम पर तो नहीं तो पता है ना कि आम आदमी पार्टी के नेताओं को जेल में क्यों भेजा आप, तो अच्छा इतना विश्वास रखते हैं आप कोर्ट के सिस्टम पे, तो आम आदमी पार्टी के नेताओं पर भी कन्विक्शन, अरविंद केजरीवाल को जेल में क्यों भेजा, आपको सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल जी को बाहर छोड़ा है, इसका मतलब यह है कि आपकी मंशा थी कि लालू पर बोलिएगा कि नहीं, आप खुद यहाँ पे जज बनने की कोशिश कर रहे हैं, लालू कन्विक्टेड है, अरे लालू क्या कह रहे हैं आप, बंगारू लक्ष्मण के, आप बंगारू जनता पार्टी के पर्सन जो राष्ट्र हित के सौदे पे भ्रष्टाचार करते पाए गए, उनके पहले था वो हट गए थे, अब और मेहमानों के पास भी चली जाओ, मैं नीरज मिश्रा और नीरज कुमार के पास भी नहीं जा पाई, हट गए, लालू के बच्चे चुनाव लड़ रहे हैं। इन्हीं आंकड़ों पर जवाब लीजिए, नीतीश कुमार तेजस्वी यादव सबसे पहले आपने क्या कहा कि जो महंगाई दर थी इनके समय पर 4% के आसपास आ गई, आपको मालूम होगा महंगाई तो बहुत बढ़ गई है, एनएसएसओ जो है जिसका काम है आंकड़े जारी करना, उसने पहले तो 7 साल आंकड़े जारी नहीं किए, जब वो आंकड़े जारी हुए तो बेस ईयर जब उन्होंने चेंज किया तो उसके बाद इन्होंने आपको इन्फ्लेशन का जो डेटा दिया वो इस तरीके से दिखने लगा, आप 2011 के बेस ईयर से। वीडियो अच्छी लगती हो तो इसको लाइक करें, अभी शहजाद पूनावाला की आ गया और धज्जियां उड़ने वाली है, अर्पिता आर्या जो की एक निष्पक्ष पत्रकार इस डिबेट में लग रही है, आप इनके बारे में क्या कहते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर देख कर जाइए, पूरी डिबेट जरूर देख कर जाइए, अभी आगे और बहस होने वाली है। बनाया 1 किलोमीटर आंकड़ों में दिखा दिया, 4 किलोमीटर ठीक है, ये बड़ा आरोप आप लगा रहे हैं, रुक जाइए सर, इस पर मैं छोटा जवाब शहजाद से चाहूंगी, शहजाद वो कह रहे हैं अपने हिसाब से आप चीजों को पलट रहे हैं, आंकड़े देर में रिलीज करते हैं और आप सड़कों पर वो कह रहे हैं कि कम बनाते कम है गिनते ज्यादा है। चलिए मैं इस पर स्पष्ट जवाब देता हूँ, और कांग्रेस की जो आंकड़े इस्तेमाल करती है उसी के आधार पर देता हूँ, कांग्रेस सीएमआई का डेटा कोट करती है बेरोजगारी पर, उसी सीएमआई के डेटा के हिसाब से राजस्थान में बेरोजगारी दर 20% से ज्यादा था, उनकी सरकार को लात मारकर भगाया, और मध्य प्रदेश में 2% था, इसलिए 18 वर्ष के बाद हमारी सरकार वहां पर रिपीट हुई। अच्छा मैं छोड़ दो इस आंकड़े को मत विश्वास करो, आपको मैं दूसरा आंकड़ा देता हूँ ईपीएफओ का, 12 करोड़ जो लोग थे पहले ईपीएफओ, अरे सर आप राज्य पर क्यों चले गए, जब आप ये आंकड़ा दे रहे तो मैं आपको भी एक आंकड़ा दे देती हूँ, 2023 में बेरोजगारी दर 8% रही लेकिन इसमें करीब 1.5% केवल गिरावट आई है, ये बात तो है, बेरोजगारी बढ़ी है। हाँ, अब मैं आपको उसका भी जवाब दे देता हूं,
अर्पिता जी एक एक करके जवाब देंगे। आप मुझे ये कह रही हैं कि जो बेरोजगारी राज्यों में होती है वही तो मिलाकर देश में बेरोजगारी होती है ना, तो कहां बेरोजगारी की समस्या है वो तो ज्यादा देख लीजिए, राजस्थान में थी, मध्य प्रदेश में 18 वर्ष के बाद भी नहीं थी, इसीलिए जनता ने हमें चुना। महंगाई के विषय में भी बोल रहा हूं और बेरोजगारी के नेशनल पर्सपेक्टिव पे भी बोलूंगा, मैं भागने वाला नहीं हूं, हर एक सवाल का जवाब देने वाला हूं। अब महंगाई पर बोलता हूं, महंगाई पर ये कह रहे हैं कि आंकड़े बदल दिए इसलिए जो है पूरा बेरोजगार महंगाई जो दर है वो कम हो गई। वाह क्या लॉजिक है। मैं तो आपको बोलता हूं कि आप देख लीजिए 9000 जन औषधि केंद्र बने हैं, एक जो टैबलेट 72-80 रुपए की आती है मार्केट में वही टैबलेट 10 रुपए की आती है आज जिस जन औषधि केंद्र में, जो 300 रुपए का डेटा जीबी पर जीबी डेटा आता है आज वो 9 रुपए का है। अगर यूपीए के जमाने में होते तो पर कैपिटा कंजम्पशन के हिसाब से जो डेटा का कॉस्ट था 45,000 रुपीज था, आज वो हो गया है 1500 रुपए। जो 7 लाख की आज इनकम टैक्स तक इनकम टैक्स नहीं भरनी है, यूपीए के जमाने में 2 लाख पर इनकम टैक्स भरनी थी तो 10 लाख की जिसकी आय है उसको 1,20,000 भरना पड़ता था, आज 60,000 इनकम टैक्स भर रहा है। ये भी क्या बनावटी आंकड़े हैं? और महंगाई अगर इतनी बड़ी हुई है तो हिमाचल में 6 रुपए बढ़ा दिए। प्लीज एक मिनट बीच में नहीं अर्पिता, मैं आंकड़ों पर बात कर रहा हूँ। अर्पिता जी मैं आंकड़ों पर बात कर रहा हूँ, मैं कहीं भाग नहीं रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि मान लेते हैं इनका कि महंगाई बहुत बड़ी हुई है तो इन्होंने हिमाचल में क्या वादा किया, 1500 रुपए प्रति महिला कितनी महिलाओं को दिया, 300 रुपया यूनिट बिजली फ्री कर देंगे, कितने बिजली के यूनिट और इनसे पूछिए 6 रुपया डीजल का हिमाचल। आंकड़ों पर देखिए एनडीए में जीडीपी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के हिस्से में भी कमी आई है। विश्व बैंक के ये आंकड़े हैं कि यूपीए में 15-17% के बीच थी, मेक इन इंडिया जैसी आपने एक बड़ी मुहिम भी चला ली लेकिन बावजूद इसके हिस्सा जो है वो 13% गिर गया। क्यों 13% हिस्सा? हाँ मैं आपको बताता हूं, आप जीडीपी की साइज क्या है अर्पिता जी मुझे जरा बताना, भारत की जीडीपी की और 2014 में जिसके मुकाबले में आप देख रही है तब कितनी थी जीडीपी की साइज, जरा पहले आप मुझे दोनों आंकड़े बताओ। जीडीपी का साइज जिसके परसेंटेज पे जिसके रिलेटिव में आप करते रहेंगे, आप हमसे जवाब ले लीजिए मुझे पहले बताओ। एक सेकंड अर्पिता जी मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं, आपसे सवाल पूछा, आप जवाब चाहती हैं कि टू विंडो में तू तू मैं चाहती हैं, आप टू टू विंडो में अर्पिता जी टू विंडो में तू तू मैं चाह रही हूं कि आप मुझसे संवाद चाहती हैं, तो मेरे संवाद में होने दीजिए। आज तक घबराए ना, आज तक कतई ना घबराए, आज तक कतई ना घबराए, आज तक कतई ना घबराए, मुझे अंकल से संवाद। और मैं आपको अर्पिता जी कांग्रेस आपके बचाव में क्यों आ रही है मुझे जवाब दे दीजिए। शहजाद के पास क्योंकि आंकड़े नहीं है, कांग्रेस आपके बचाव में क्यों आएंगे, आप आंकड़ों पर बहस करिए। कांग्रेस आपके बचाव में जवाब तो दे रहे हैं नीरज जी, वो जवाब तो दे रहे हैं, आपके बचाव में कांग्रेस क्यों आ रही है मुझसे। शहजाद किसी को जवाब दे, यहाँ किसी के बचाव में किसी को आने की जरूरत नहीं है, अपने अपने जवाब देने की जरूरत है, आप आराम से अपने जवाब दे। कांग्रेस आ रही है और आपका चैनल टू विंडो करके उनको अलाउ कर रहा है, मुझे संवाद करने दीजिए। जो मैन्युफैक्चरिंग का टू विंडो करके अलाउ कर रहा है भाई, पीसीआर वालों पे उंगलियां उठ गई। आपको मेरे सवाल जवाब में मुझसे रुचि है तो आपने सवाल पूछा, मैं जवाब दे रहा हूँ, आप नहीं चाहते तो मैं चुप रह जाऊं। ये थी पूरी डिबेट और इस डिबेट में आपने तो देखा ही, हमें कुछ बताने की जरूरत तो नहीं है वैसे ज्यादा कुछ। शहजाद पुणे वाला और अर्पिता आ रहा, मुझे तो लगता है ना आसान हुआ लास्ट लास्ट बढ़ते बढ़ते, जो टू विंडो की बात हो रही थी ना वो होना चाहिए था शहजाद पुणे वाला वर्सेस अर्पिता आर्या, जस्ट बिकॉज आपकी इन दो लोगों की जो विंडो थी ना इन दोनों को वर्सेस करके लगाना चाहिए था, क्योंकि असली जो फाइट पूरे डिबेट में देखी गई, सारे जो चार प्रवक्ता थे वो चारों तो अलग, सजात पुनेवाला और अर्पिता आर्य के दोनों लोगों की जवाब जो है सवाल जवाब, ये अच्छा डिबेट हो रहा था, तगड़ा डिबेट था और अर्पिता आर्य जी की तरफ से जो है अच्छे अच्छे फैक्ट्स के साथ पूरी डाटा रखी गई बिल्कुल। और आज का जो इनका टाइटल भी यही था, गारंटी देखकर कितनी जनता करती है वोट करके, लेकिन मुझे लग रहा है उसमें गारंटी छोड़ के आधे से ज्यादा तो काम ही बताए गए, गिनवाए गए हैं कि कितने काम बन गए, कितनी चीजें बन गई हैं, कितनी चीजें नहीं बन गई। लेकिन पूरी डिबेट में मुझे एक मुद्दा सबसे बढ़िया लगा उसमें, और एक फैक्ट निकल के आया था अरविंद केजरीवाल की, जो 10 चीजें थी, 10 गारंटी जो थी उसमें से भ्रष्टाचार का मुद्दा निकाल दें तो लगभग 9 गारंटी ऐसी थी जो सीधे सीधे जनता से जुड़ी हुई थी। प्रधानमंत्री मोदी की जो 5 गारंटी थी वो पांचों की पांचों गारंटी जनता से जुड़े हुए मुद्दे नहीं नजर आए। मोदी जी की गारंटी में उतना दम नहीं है जितना केजरीवाल जी की 10 गारंटी में दम दिखाई दिया। ये सिर्फ बात गारंटी की हो रही है क्योंकि ये कौन कितना निभाते हैं कितना नहीं निभाते हैं वो तो आगे की बात है, लेकिन हाँ 2014 से लेकर जो बीजेपी का पूरा कार्यक्रम की रोजगार लाएंगे और चीजों को बनाएंगे वो सारी चीजें धरी की धरी रह गई, और अभी देखो क्या करते हैं, वादे पूरे होंगे किसके नहीं, लेकिन हाँ रोजगार की कमी है, महंगाई बढ़ी हुई है
और लोग अभी भी परेशान हैं। मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया दो चीजें चालू हुई थी, दोनों पता नहीं कहाँ गायब हो चुका है, आजकल दिखाई नहीं दे रहा है। तो कहीं ना कहीं ये सारे मुद्दे हमें यहाँ दिखाई दिए। आपकी क्या राय आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। मिलेंगे आपको किसी और नई डिबेट के साथ, किसी और टॉपिक के साथ। नहीं देखे तो आप इसका ओरिजिनल लिंक देख सकते हैं आज तक चैनल में गाइस। अर्पिता जी ने बगिया उघेड़ दी कह सकते हैं ना, बढ़िया अच्छी खासी, बहुत अच्छा मीडिया का काम है। अच्छा सवाल से अपने क्वेश्चन रखे और डिपेंड करता है सामने वाला अपने प्रवक्ता, भले कांग्रेस का प्रवक्ता हो, आम आदमी पार्टी का प्रवक्ता हो या बीजेपी का प्रवक्ता हो, अपने पक्ष में ही बोलेंगे। यस, तो मिलेंगे गाइस हमें नई वीडियो के साथ। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जाके सब्सक्राइब कर दो, और नई किस वीडियो पे रिएक्ट करें उसको लेके भी जल्दी से बता दो, कमेंट कर। बाय बाय दोस्तों।